नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आनंद इस प्रोग्राम वॉइस ऑफ होप में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है शांति, परमेश्वर की असीम शांति। ये शांति ना तो हमें दुनिया के लोग दे सकते हैं और ना ही हम दुनिया की किसी चीज से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस बारे में समझेंगे कि परमेश्वर की शांति क्या होती है और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि दुनिया की शांति और परमेश्वर की असीम शांति में क्या अंतर होता है। दुनिया की शांति या दुनिया के काम हमें पल भर के लिए यह अच्छा अनुभव कराते हैं, पर कुछ समय बीतने के बाद हम वापस अपने दुख, परेशानी और चिंताओं में लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया की शांति लाभदायक होती तो जीवन के हर हिस्से में हमें ये शांति का अच्छा एहसास होता। दोस्तों, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जो शांति परमेश्वर हमें देता है वह पल भर में खत्म नहीं होती, पर जिंदगी की हर परिस्थितियों में वह हमारे साथ होती है और हमें यह एहसास कराती है कि हमारे जीवन में निश्चय अच्छा होगा। और जीवन के हर एक मोड़ पर, चाहे वो खुशी का हो, गम का हो, तंगहाली का हो, परेशानी बीमारी का हो, वह हमें एक अच्छी तसल्ली देती है और जीवन का एक अच्छा अनुभव कराती है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 27वीं आयत, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमें अपनी असीम शांति देना चाहता है। परमेश्वर की शांति मनुष्य की शांति से कहीं अधिक बढ़कर है और वह चाहता है कि हम अपने जीवन को उस शांति में होकर ही बिताएं। दोस्तों, परमेश्वर की शांति हमको हिम्मत देती है ताकि परेशानी के समय में हम अपनी सुध-बुध ना खो बैठे या हद से ज्यादा किसी बात की चिंता ना करने लगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को चिंता मुक्त जीवन बिताएं। दोस्तों, शैतान आपकी शांति को छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ता और चाहता है कि आप अपने जीवन को चिंताओं में बिताएं और उसी में लिप्त होकर, परेशान होकर अपने जीवन को खराब कर ले। पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी असीम शांति को समझें और उसी में अपने जीवन को बिताकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ जानता है और चाहता है कि हम उसकी शांति को ले लें और अपने जीवन को चिंता मुक्त जीवन बिताएं और उसकी शांति को लेकर खुशहाल जीवन का अनुभव करें। मेरे प्रियो, इस वचन के आखिरी हिस्से में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे परमेश्वर के वचन कुलूसियो उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में शासन करे, तो हमारे पास ये एक अच्छा अवसर है कि हम परमेश्वर की शांति को अपने दिलों में शासन करने दें और अपने जीवन को उसकी असीम शांति में लेकर चले। अगर आप अपनी जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे और उसकी शांति को अपने जीवन में आने दे, तो आप अपनी सारी चिंताओं से आजाद हो सकते हैं और परमेश्वर आपको आपकी बीमारी, तकलीफ, परेशानी और दुख में एक ऐसी शांति देगा जो मनुष्य आपको कभी नहीं दे सकता। ना ही मनुष्य का कोई कार्य, ना ही मनुष्य की कोई चीजें आपको वो तसल्ली दे सकती हैं। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस पे विश्वास करें और उसकी शांति का अनुभव करें। यदि आप परेशानियों से होकर गुजरेंगे भी या परेशानी में होकर जाएंगे भी, तो भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता और अपनी शांति आपके जीवन में बनाए रखेगा। यदि आपको लगता है कि ये वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है और सच में आप छोटी छोटी जीवन की बातों से परेशान हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं और एक ऐसे जीवन बिताने लगते हैं जो ना तो आपको खुश होने देता है, ना ही किसी से मिलने देता है, ना ही बात करने देता है, तो दोस्तों, ये वचन आज आपके लिए है। आप विश्वास करें, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा और आपके जीवन से इन चिंताओं को वो हटा देगा और उसके बदले वो आपको एक ऐसी शांति देगा जो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दें और उसकी असीम शांति को लेकर अपने जीवन को चिंता मुक्त जीवन बिताएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप
किसी न किसी बात से परेशान हो जाते हैं और चिंता करते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातों की चिंताएं आपके जीवन में आकर आपको परेशान कर देती है, तो दोस्तों ये वचन आज आपके लिए है। विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरना चाहता है और आपको आपके जीवन में एक ऐसी शांति देना चाहता है जिसके साथ आप अपने जीवन को खुशी के साथ और एक अच्छे अनुभव के साथ बिता सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम अपने सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी छोटी छोटी बातों में बहुत चिंता करते हैं और अपने मन को अशांत कर लेते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुनने वालों के जीवन में तेरी ये असीम शांति आने पाए और ये तेरी शांति का अनुभव करने पाए, और अपने जीवन में खुदावन जब ये परेशानी दिक्कतों का सामना करें तो तेरी शांति इनको खुदावन इस बात की तसल्ली दे कि इनके जीवन में तू कुछ अच्छा करने पर है। प्रभु, इनको तू इस बात की शांति दे कि ये किसी बात की भी चिंता ना करें, लेकिन हर एक बात में ये तेरा धन्यवाद करें और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुनने वालों के जीवन में एक अच्छा काम हो सके और ये तेरी उस शांति का अनुभव कर सके जो दुनिया और दुनिया की चीज़ें इन्हें कभी नहीं दे सकती। प्रभु, ये तेरी ऐसी शांति का अनुभव करे जिसके बारे में ना केवल ये खुदावन खुद अच्छा महसूस करे पर बहुत से लोगों को तेरे बारे में बता सके। प्रभु, अपनी शांति से भर, अपनी महिमा इनके जीवन से ले ताकि ये अपने जीवन को चिंता मुक्त जीवन बिताएं और तेरी असीम शांति का अनुभव कर सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।